मूवी की शुरुआत ऐसे होती है, हर्मी अपनी कहानी बताते हुए कहता है कि उसने 1942 का समर कहाँ स्पेंड किया है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है, उसी समय हर्मी के दो दोस्त होते हैं, बेंजी और ऑस्की। तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे और अक्सर बीच पे जाया करते थे। एक बार तीनों जब बीच के पास होते हैं तभी वहाँ एक घर को देखते हैं। वहाँ एक आदमी और उसकी वाइफ शिफ्ट हुए होते हैं। कुछ देर बाद वो हस्बैंड अपनी वाइफ को उठाकर घर में ले जाता है। वो औरत बहुत खूबसूरत होती है। वो तीनों बस उसे देखते रहते हैं। ऑस्की और बेंजी जाने लगते हैं पर हर्मी बस उसे ही देखता रहता है, उसकी खूबसूरती को ही देखता रहता है। अगले दिन तीनों बीच पे जाते हैं। बीच पे काफ़ी खूबसूरत लड़कियाँ और कपल आए रहते हैं। तीनों दोस्त आपस में ये डिस्कस करते हैं कि अपनी वर्जिनिटी कैसे लूज करें। वो एक बुक लाते हैं जिसमें वर्जिनिटी कैसे लूज करेंगे इसके तरीके लिखे होते हैं। तीनों एक साथ उसे पढ़ते हैं। एक दिन जब तीनों बोट में बैठे होते हैं तब देखते हैं कि वो आदमी जो कि एक सोल्जर है अपनी वाइफ जिसका नाम डोरोथी है को किस कर रहा होता है। फिर वो सोल्जर बोट से चला जाता है। उसके जाने के बाद डोरोथी सैड हो जाती है। हर्मी ये सब देखता रहता है और उस पर अट्रैक्ट होने लगता है। एक बार तीनों दोस्त जब बीच पे आए होते हैं तब डोरोथी भी वहाँ आती है। उसका दोस्त ऑस्की बोलता है कि वो उम्र में उससे बड़ी है। हर्मी बोलता है कि वो उससे प्यार करने लगा है। ऑस्की हर्मी को चैलेंज करता है कि वो डोरोथी से बात करके देखे। फिर वो उससे बात करने के लिए जाता है तभी उसके दोस्त चिल्लाने लगते हैं। एक दिन जब वो मार्केट से गुजर रहा होता है तभी उसकी नज़र डोरोथी पे पड़ती है। डोरोथी का सामान गिर जाता है। हर्मी उसकी हेल्प करता है और वो दोनों उसके घर जाने लगते हैं। रास्ते में ऑस्की और बेंजी हर्मी को बुलाते हैं तो वो उन दोनों को इग्नोर कर देता है। घर पहुंचने के बाद हर्मी उससे बोलता है कि वो बड़ा होकर सोल्जर बनेगा। फिर हर्मी डोरोथी को इम्प्रेस करने में लग जाता है। फिर वो कॉफ़ी पीता है और जाते वक्त डोरोथी उसे डोनट भी देती है। हर्मी उसे बोलता है कि वो फिर मिलने आएगा। घर के बाहर दोनों दोस्त उसका वेट कर रहे होते हैं। वो पूछता है कि वो घर में क्या कर रहा था। वो बताता है कि वो ड्रिंक कर रहा था। रात को तीनों फिल्म देखने के लिए जाते हैं जहां ऑस्की तीन लड़कियों को देखता है और उनसे दोस्ती करता है और फिल्म देखने के लिए पूछता है और तीनों लड़कियां राजी हो जाती हैं। तभी वहां डोरोथी आ जाती है। वो हर्मी को बोलती है कि उसे अपने घर में कुछ सामान शिफ्ट करना है, क्या वो उसकी हेल्प करेगा। हर्मी हाँ कर देता है। फिल्म देखते समय ऑस्की अपने पार्टनर को टच करने लगता है बट वो मना कर देती है। अगले दिन वो डोरोथी के घर जाता है उसकी हेल्प करने के लिए। जब डोरोथी लैडर पे चढ़ती है तभी हर्मी उसके बॉडी को देखता रहता है। डोरोथी को देखकर अट्रैक्ट होता है। फिर हर्मी उसकी हेल्प करता है और सारा सामान रखने के बाद वो डोरोथी को बोलता है कि वो उसे पसंद करने लगा है। डोरोथी हंस के उसके माथे पे किस कर देती है। वो बाहर जाता है तो उसके दोस्त पूछते हैं पर वो किसी को नहीं बताता है। फिर ऑस्की हर्मी को वर्जिनिटी लूज करने के लिए आइडिया बनाता है। फिर दोनों कॉन्डम खरीदने के लिए एक स्टोर पे जाते हैं। फिर ऑस्की स्टोर के बाहर होता है और हर्मी को अंदर भेज देता है। अब हर्मी बहुत नर्वस हो जाता है। उसे समझ नहीं आता वो कैसे स्टोर के ओनर को बोले। वो बोलने जाता है तभी वहाँ एक बुढ़ी औरत आ जाती है। वो शर्मा जाता है। फिर वो औरत जाती है तभी हर्मी कॉन्डम बोलने की वजह आइसक्रीम बोल देता है। ये सब देखकर स्टोर ओनर समझ जाता है और हर्मी को कॉन्डम दे देता है। ऑस्की और हर्मी के प्लानिंग के अनुसार हर्मी एगी के साथ बैठकर मार्शमेलो खेलता रहता है और उसका दोस्त ऑस्की वर्जिनिटी लूज कर रहा होता है। तभी ऑस्की और कॉन्डम मांगने आता है। फिर थोड़ी देर बाद वो कॉन्डम मांगने आता है। तभी एगी हर्मी से पूछता है उसका दोस्त क्या मांग रहा था। तब वो ऑस्की को सेक्स करते देख लेता है और वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन डोरोथी बीच पे होती है तब हर्मी उसके पास जाता है और पूछता है तो डोरोथी उसे बताती है कि वो अपने हस्बैंड को लेटर लिख रही है। हर्मी डोरोथी को बताता है कि वो आज रात पड़ोस में आ रहा है, क्या वो कंपनी देने उसके घर आ सकती है। डोरोथी उसे हाँ बोल देती है। हर्मी अपने घर में तैयार होता है और जाने लगता है। तभी रास्ते में उसका दोस्त मिलता है। फिर हर्मी इग्नोर करके डोरोथी के घर पहुंचता है। घर में खामोशी होती है और वो घर के अंदर जाता है। टेबल पे एक लेटर होता है और लेटर में सरकारी मोहर लगी होती है। फिर हर्मी उस लेटर को पढ़ता है तो
तो उसे पता चलता है कि डोरोथी के हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। इतने में डोरोथी आ जाती है। डोरोथी बहुत दुखी होती है। हर्मी उसके पास जाता है और डोरोथी उसे होल्ड कर लेती है। दोनों स्लो मोशन में डांस करते हैं। फिर डोरोथी हर्मी को देखती है और उसे किस करने लगती है। फिर दोनों बेडरूम में जाते हैं और दोनों सेक्स करते हैं। थोड़े टाइम बाद डोरोथी बाहर जाती है, सोचती रहती है और स्मोकिंग करती रहती है। हर्मी उसे बाय बोलकर अपने घर चला जाता है। अगले दिन हर्मी डोरोथी के घर आता है और यहाँ डोरोथी घर से जा चुकी होती है और एक लेटर दरवाजे पे होता है जिसमें लिखा होता है कि वो उसे हमेशा याद रखेगी और उसकी सिचुएशन को हर्मी समझ पाएगा। इसके बाद हर्मी डोरोथी के घर के आगे बैठा होता है और कहानी दी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।